नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। घर का भेदी लंका ढाए, जी हां, ये मुहावरा तो शायद आपने सुना ही होगा। ठीक यही हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और जो बेचारी हमारी गोदी मीडिया है, जो पिछले एक महीने से पूरे शिद्दत से ये लगी थी इस बात को छुपाने में और देश को गुमराह करने में कि लद्दाख में चीन की सेना ने कब्जा नहीं किया है, भारतीय सीमा के अंदर नहीं घुसी है। लेकिन हुआ क्या है कि अब उनके पार्टी के ही नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख की जो पूरी यूनिट है, वहां के जिला अध्यक्ष हो या लद्दाख के सांसद, उन्होंने ही इस झूठ को का पर्दाफाश कर दिया है और जो उनकी जो झूठ की पोल है वो खोल के रख दी है। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिएगा कि लद्दाख के जो सांसद है, जिनका नाम है जामयांग सेरिंग, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि हाँ, चीन की सेना अंदर घुस आई है और वो हिमाकत की है। वही जो लेके जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने भी इस बातों को दोहराया है, जिनका नाम है डोरजे अंगचक, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि हाँ, चीन ने ऐसा हिमाकत किया है। आप इस वीडियो को देखिए, आपने देखा इस वीडियो को किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के जो लद्दाख के नेता है वो ही ये बात कह रहे हैं कि हाँ, चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर घुस आई है, उसने ऐसी हिमाकत दिखाई है, ये बातें कही। अब इस वीडियो को जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर, खुद गोदी मीडिया पर, कि किस तरीके से देश को गुमराह कर रही है गोदी मीडिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लद्दाख के देशभक्त लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन की सेना हमारे क्षेत्र में घुस आई है और वो चेतावनी दे रहे हैं कि इस पर कुछ कीजिए, नहीं तो देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बातें राहुल गांधी ने कही। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन भी इशारों में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया गुरु पूर्णिमा के बहाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, तीन चीजें जो देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य, ये कथन गौतम बुद्ध के थे। और वहीं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उन्होंने इशारों में ये बातें कह दी कि ये सत्य को छुपाया जा रहा था, लेकिन इसका भंडाफोड़ खुद जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के लद्दाख के सांसद है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने क्या है, जो छोटे छोटे यूनिट के नेता है, काउंसलर भी, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि हाँ, चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर घुस आई है। वहीं आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जब धर्मेंद्र लद्दाख गए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि लद्दाख के जो लोग है वो बड़े ही जागरूक है और बहुत ही देशभक्त है, वो सरकार से सवाल भी पूछना जानते हैं, हमारे जैसे जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, जो अंधभक्ति गिरी उनकी तरह नहीं करते हैं, वो अगर देश की आन बान शान को बचाना जानते हैं तो सरकार से सवाल करना भी जानते हैं। तो उन्होंने ये करके दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन लोगों ने भी पार्टी को दरकिनार करते हुए पार्टी लाइन से बाहर आकर ये कहा कि हाँ, चीन की सेना ने ऐसी हिमाकत की। आपको याद होगा कि 3 जुलाई को भी जब ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे थे, तब वहां पर भी जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी ने एक वीडियो को ट्वीट किया था और ये कहा था कि लद्दाख के लोग ये कह रहे हैं कि चीन की सेना हमारे सीमा के अंदर घुसाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं घुसाया है। तो कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, और एक वीडियो भी जारी किया था, आप उस वीडियो को भी देखिए। चाइनीज ट्रूप्स हमारे वैली के अंदर या हमारे बॉर्डर के अंदर आए हैं। चीनी फौजी हमारे गढ़वान एरिया में 15 किलोमीटर घुस के आया है। दिस इज द डेडलीस्ट क्लास इन नियरली 50 इयर्स। आप सब लोगों को पता है हमारी जमीनें हमसे जबरदस्ती छीना जा रहा है। इस वीडियो पर हमला करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उससे ही राहुल गांधी ने ये बयान दिलवाया है और वो ये कह रहे कि चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर घुस आई है। लेकिन क्या आप ये समित पात्रा कहेंगे जो उनके जो पार्टी के सांसद और नेता ये कह रहे हैं कि हाँ, चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर घुसी हुई है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने उस दिन ट्वीट करते हुए कहा था, सेम ऑन यू राहुल गांधी, आप पर शर्म है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निशाना, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही अपना हथियार बनाया, इसके लिए आपने देश से झूठ बोला और हमारे देश की जो आन बान शान जो हमारे सैनिक है उनकी आपने उनके जज्बों को कमजोर समझा। ये बातें संबित पात्रा ने कहा था, लेकिन क्या संबित पात्रा अब क्या बोलेंगे ऐसी हरकत होने के बाद, जब खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, जो नेता है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, चीन की सेना अंदर घुस आई है। पूरा विपक्ष अब हमलावर हो गया है भारतीय जनता पार्टी पर, और गोदी मीडिया की भी जो
झूठ की पोल थी वो भी खुल गई है, एक्सपोज हो गई है गोदी मीडिया की किस तरीके से जो उनकी जो बातें और जो दावे थे वो झूठ बोल रहे थे, जो देश को गुमराह कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ भक्ति गिरी में अपने और एक व्यक्ति के लिए पूरे देश को धोखा दे रहे थे। आपने इस वीडियो में देखा कि वहां के जो सांसद है जो वहां के नेता है वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारी सीमा के अंदर चीन की सेना घुस आई है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना सच्चाई बताया जा रहा है, सच्चाई दिखाया जा रहा है। आप इस बात को खुद सोचिए। धन्यवाद।